नमस्कार भाई दोस्तों, एक सवाल कई दिनों से दिमाग में घूम रहा है। जब देश में इतने धर्म थे, इतनी जातियां थी, इतना सब कुछ था, तो फिर सिख की स्थापना करने की क्या जरूरत पड़ी थी गुरु नानक देव जी महाराज को? कोई बता सकता है क्यों पड़ी थी? क्योंकि सबसे वक्री कौम, सबसे वक्रा इतिहास, सब कुछ बनाया इन्होंने, अपने दम पे सब कुछ हासिल किया, और फिर उन्हीं को जराइम पेशा, आतंकवादी, बातंकवादी घोषित करने में समय नहीं लगाते लोग, और फिर जब जरूरत पड़ती है फिर सिख याद आ जाते हैं, फिर सिख याद आ जाते हैं। लेकिन सिख कहाँ कहाँ लड़े? सिख अपनी लड़ाई को छोड़ के जाएं तो जाएं कैसे? सिखों की जो फिलहाल सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है वो तो भगवंत मान ने उठा के कर दिया काम। एक किस्सा उठा दिया, PTC चैनल वाला किस्सा ऐसा उठा दिया कि अब उसकी आँच दूर दूर तक जाने लगी। क्यों? क्योंकि वो बादल परिवार का है। सुखबीर बादल ने खुद बोला था, भाई PTC चैनल हमारा है, हमारा है चैनल है। लेकिन वो चैनल इतना बड़ा हो, शिरोमणि प्रबंधक कमेटी से भी बड़ा चैनल है वो। आज आपको ना ऐसे ऐसी बातें बताएंगे, आप सुनकर हैरान रह जाओगे किस हद तक लूटा गया है पंजाब को। कोई बाहर से नहीं आया लूटने वाला, हिम्मत भी नहीं किसी की कोई बाहर से आके पंजाब को लूट के दिखा दे। हिम्मत नहीं है, दम ही नहीं किसी के अंदर। सबको पता है ये फिर क्या करते हैं, लेकिन आप पगों में सिर फंसा के इनके हितेशी बन के फिर इनको लूट सकते हैं, और वही किया जा रहा है इनके साथ, वही किया जा रहा है। बार बार बताते हैं, आपकी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। क्या गुरुवाणी के ऊपर सिर्फ अमीरों का अधिकार है? जो गरीब सिख है उसको गुरुवाणी सुनने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। सभी तक पहुंचनी चाहिए गुरुवाणी, सभी को जीवन जीने की कला आनी चाहिए, और वो गुरुवाणी सुनेगा ना तब पता लगता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। कोई अलग से इनका शरीर है जो अलग से मिट्टी का बनाया हुआ है क्या? जो सिखों का शरीर है अलग से मिट्टी का बनाया हुआ है, या इनके अंदर कोई अलग ही कुछ डाला जाता है? अलग डाला जाता है, अलग डाला जाता है फिर सभी डलवाओ ना, वो अलग क्या है इनके अंदर? सभी सिख बन जाओ, अमर छकोर सिख बन जाओ। इनके अंदर एक क्वालिटी बड़ी अलग है, बहुत अलग है। आज आपको बताते हैं बादल परिवार ने कैसे कैसे लूट खसोट कर रखी है पंजाब के अंदर, और मौका मिला है पंजाब वालों, पंजाब के अंदर अब असली बदलाव करने का। अगर इस बादल परिवार से गुरुओं की गुल्लकों को बचाना है जिनके ऊपर ये कुंडली मार के बैठे हैं, तो अभी मौका आपके पास, अभी। क्योंकि सबको पता है, सब कहते भी हैं, अगर कोई प्रधान लगाना है, हटाना वो करना है, तो लिफाफे में बंद होकर नाम पहले ही आता है, पहले ही लिफाफे में बंद होकर नाम आता है। ये क्यों हो रहा है? और अब तो कौन नहीं जानता साबका प्रधान बीबी जागीर कौर को, कौन नहीं जानता बताओ? उन्होंने ऐसे ऐसे खुलासे किए कि सुन के हैरान रह गया हर कोई कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, रोया है पंजाब के अंदर, ये हुआ है। बताते हैं आपको जो बीबी जागीर कौर साहब का प्रधान ने बताई ना बात, बड़ा ही गजब के खुलासे किए हैं। उससे पहले जो साथी नया जुड़ता है, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात करने की जिम्मेवारी हमारी है। आप सबको पता है जो पंजाब सरकार का बजट होता ना, पंजाब सरकार का बजट पूरे पंजाब के लिए, उससे ज्यादा बजट होता है शिरोमणि प्रबंधक कमेटी का, उससे पंजाब सरकार से ज्यादा बजट होता है। फिर वो क्या एक चैनल नहीं बना सकती अपना, जो चैनल घर घर तक फ्री जाए, अपनी आवाज पहुंचाए? फ्री का चैनल नहीं खड़ा कर सकते? कर सकते हैं उन गोलकों में, लेकिन जो पैसा डालते श्रद्धा से लोग कुछ डालते हैं ना, वो जाता तो बादल परिवार के पास है, फिर बने कैसे चैनल? क्या आज तक चैनल नहीं खड़ा कर पाए? इतना कब्जा कर रखा है बीबी जागीर कौर साहब का प्रधान। उन्होंने एक ऐसी बात बताई कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया, अचरज में रह गया। उनका बयान आया है, एक बार उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के चैनल पर गुरबाणी लाइव कर दी थी, लाइव कर दी थी गुरबाणी। PTC पंजाबी ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ही नोटिस जारी कर दिया, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से PTC पंजाबी बड़ा है, वो चैनल बड़ा है भाई, क्योंकि उसका मालिक कौन है? मालिक बादल है। उन्होंने पूरी शिरोमणि कमेटी को नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने बिना उनसे पूछे तुमने बोला गुरबाणी का प्रसारण क्यों किया? क्या गरीब सिख के घर तक गुरबाणी का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता? इन्हीं का कब्जा रहेगा, इन्होंने लूट लिया पूरे पंजाब को पूरे तरीके से। ये तो ठीक है कि एक कौम इस टाइप की बनाई है कि आए दिन एक नया इतिहास, आए दिन वखरा इतिहास, सबसे वखरा इतिहास, सबसे वखरी कौम, इसलिए बोला जाता है। इनको कितना ही लूटो, कितना ही तोड़ने की कोशिश करो, टूटती नहीं कभी ये कौम। क्यों? क्योंकि अकाल पुरुष का हाथ है इनके ऊपर, वो इनको हर बार उठने का जज्बा देता है, हर बार उठने का, और इनको मिलता है वो जज्बा। कभी आप भी गुरुबाणी सुन के देखना, अगर आपके मन में कोई निराशा होगी या आप जो सोच रहे मतलब सब कुछ हार गया, गुरुबाणी को सुनना, गुरुबाणी को सुनना। कभी देखा है देश में, अभी देश में कभी कोई सरदार सिख, सिख
भिखारी देखा कभी? कभी नहीं देखा होगा आपने, कभी नहीं देखा होगा। नाम नहीं लेंगे हम, फिर कह दोगे हमारे धर्म का विरोध कर रहा। वो कदम कदम पे भिखारी दिखाते हम, कदम कदम पे भिखारी क्यों है, क्यों है वो? कभी सोचा इसके बारे में? गुरुवाणी को सुनना तब समझ में आएगा। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जीवन जीने की कला में नृत्य करने सिखाया गया है। ये नहीं बताया गया है कि वो बाबा आएगा वो चमत्कार करेगा, ये बाबा वो चमत्कार करेगा, वो नहीं बताया जाता उसके अंदर। और हाँ, सभी धर्मों की सभी की वाणियाँ उसके अंदर शामिल है, सभी की वाणी उसके अंदर शामिल है। कितना महान है ये सिक्खी, कितनी महान है, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी महान है सिक्खी। और सिक्खी को हम छोड़ रहे, उस सिक्खी का हम विरोध कर रहे हैं। तो हमारे से बड़ा मतलब के लगा लो, हमारे से तो अच्छे ना ये कुत्ते भी हो जाते फिर जो वफादार तो रहते, कम से कम वो जानवर भी अच्छे हैं, वो जानवर भी अच्छे हैं। अच्छी चीजों का हम विरोध करते हैं, क्या देखें फिर? तुम जो दिखाते हो, जो तुम्हारे एक्टर क्रिकेटर कहते हैं जुआ खेलो जुआ खेलो, ये देखें हम, ये देखें। इससे अच्छा ना आप गुरुवाणी को सुनिए, आपको जीवन जीने की कला आएगी। और जो बीबी जागीर कौर ने बोला है, ये कब्जा जो कर रखा है बादल परिवार ने, अगर इसको छुड़वाना है तो अभी मौका है, इसको हटवाइए, दूर कीजिए इसको। और आपके पास पता है उस पर चुमना किसको है? हमारे से ज्यादा पंजाब वालों को पता है, अगर जरूरत पड़ी तो आपको बता भी देंगे कि आप उसके ऊपर किसको चुनो, किसको चुनो। अकाल तख्त साहब के जत्थेदार तो भाई जगतार सिंह आवारा हैं, इसमें खुद दोहराई नहीं है। जिस दिन बार आगे अकाल तख्त के जत्थेदार साहब वो हैं, क्योंकि कार्यकारी जत्थेदार बनता अकाल तख्त साहब का, ऐसे जत्थेदार नहीं कि ऐसे बना दिया, जत्थेदार की बहुत बड़ी पावर होती है। और वो अकाल तख्त साहब का जत्थेदार जिसके ऊपर कभी अकाली बाबा फूला सिंह बैठते थे, जो महाराज तक को सजा देने का वो रखते थे, आज इन्होंने उसी पद को ये कर रखा है, बस हमारे अंडर में सब कुछ, हम जो करेंगे वो होगा। गलत है ये, बचाओ इस बादल परिवार से पंजाब को। बाहर से कोई दुश्मन नहीं आया, दुश्मन घर में ही बैठा हुआ था और तुम पहचान नहीं पाए, लेकिन अब तो पहचान होगी ना। अब तो अपने इनको छुड़वा लो, गुरुओं के गुलकों को छुड़वा लो इनसे, तब विकास होगा पंजाब का, फिर करेंगे सब कुछ, सब कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे और करते रहेंगे। वीडियो शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी, हक और सच की बात करने की जिम्मेवारी हमारी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।